आप जानते हैं अब्राहम ने क्यों अपनी जिंदगी में मिरेकल्स देखे? अपने 90 साल की बूढ़ी वाइफ को उसने बेटा होते हुए देखा। बाइबल कहती वो अमीर इंसान था, खुदा ने उसको आशीषित किया था और सब कुछ अब्राहम के पास था। और बड़े बड़े राजा जब लड़ने के लिए जाते थे तो अब्राहम से पंगा नहीं लेते थे। अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने कहा था, अगर कोई तुझे श्रापित करे कि मर जा तू, डूब जा तू, वो मरेगा और वो डूब जाएगा, तू नहीं होगा। जो तुझे आशीषित करेगा मैं उसे ब्लेस करूंगा, और जो तुझे श्राप देगा मैं उसे कोस दूंगा और श्रापित कर दूंगा। ऐसा वंश था अब्राहम। पर बाइबल क्या कहती? कहती अब्राहम, फिर से उस वचन को पढ़ेंगे, कहता उस स्थिर रहने वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला ज्ञात कौन था। कौन सा नगर था वो? स्वर्गीय यरूशलम, स्वर्ग, जिसका रचने वाला और बनाने वाला कौन है? ये नगर आपने बनाए, घर आपने बनाए, लेकिन ऊपर स्वर्ग किसने बनाया? बाइबल कहती जब 90 साल की उसकी पत्नी को उसने देखा तो उसको यह विश्वास हो गया था कि अब मेरे इस पत्नी के बच्चा नहीं होगा। पर बाइबल कहती तभी भी अब्राहम परमेश्वर से हटा नहीं। उसे यकीन हो गया कि अब मेरे नहीं होगा, पर मैं क्या करूं, और कोई परमेश्वर है नहीं, मैं अपना स्वर्ग थोड़ी मिस कर दूंगा इन बच्चों के और आशीषों के चक्कर में। तो बाइबल कहती उसका ध्यान स्वर्गीय यरूशलम की हो गया की ओर हो गया। कहता वो अब उस स्थिर रहने वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। यानी जब एक विश्वासी अपने उद्धार को प्रथम स्थान पर रख लेगा कि हाँ मेरी हीलिंग नहीं हो रही, अब क्या दो ही हल हैं, या तो मैं एक बाबा बड़ा सियाणा है को चला जावा, या मैं स्वर्ग की ओर देखूं कि मैं स्वर्ग तो जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, जा रहा हूं। अगर मेरा ध्यान उस स्वर्गीय नगर की ओर है, स्वर्ग की ओर है, तो बाइबल कहती है मैं अपने दुनिया के ट्रबल्स की परवाह नहीं करूंगा। और जब ये परमेश्वर देख लेगा कि इसी इसका ध्यान अपने सालवेशन मेंटेन करने की तरफ है, वो आपको वो सब कुछ देगा जो आपको चाहिए। डॉक्टर्स के पास जाना बुरी बात नहीं, डॉक्टर के पास जाना आपकी सालवेशन खत्म नहीं करता, क्योंकि तो डॉक्टर्स परमेश्वर ने खड़े किए। आप समझ रहे क्या? और एक बंदा ऐसा बैठा जो बोला मैं मर जाऊंगा, लुट जाऊंगा, पर बाबे के पास नहीं। आप समझ रहे हैं? बाइबल कहती है वो दूसरा बंदा जिसका ध्यान स्वर्ग की ओर, कि मैं अपनी सालवेशन को मिस नहीं कर सकता, मैं अपने उद्धार को मिस नहीं कर सकता। हम भजन संहिता अकविंजा पढ़ेंगे, जब उसकी एक आयत को 12 आयत को हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। क्योंकि बाइबल कहती उद्धार का एक हर्ष होता है, सेव होने का, स्वर्ग जाने का एक आनंद होता है आपके अंदर। और अगर आपके अंदर वो असली आनंद है कि आप स्वर्ग जा रहे हो, तो इस दुनिया की मुश्किलें, बीमारियां, ट्रबल्स आपको खत्म नहीं कर सकते, आप उन पे ओवरकम करोगे, पैर रखोगे, मसल के बाहर आओगे। आप समझ रहे मेरी बात को? उसने कहा मेरे अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, क्योंकि वो अपना हर्ष गंवा चुका था जब उसने बेतशेबा के साथ पाप किया था। दाऊद भी उद्धार का मतलब जानता था, अब्राहम भी जानता था कि मुझे स्वर्ग की ओर देखने। इसका मतलब अगर एक विश्वासी इस बात को समझ ले कि बड़े बड़े गोत्र प्रकाशित वाक्य में उनका नाम नहीं मिलता, तो सोच लो आपको और मुझको अपने उद्धार को कितना मेंटेन करने की जरूरत है। बाइबल कहती शैतान को अवसर मत दो, थोड़ा सा भी गलत देखोगे तो वो आगे पहुंचता पहुंचता आपको कहीं ना कहीं ले जाएगा। उसको पहले स्टेप पे खत्म करो। और लिखा जब तुम अपने उद्धार में बने रहोगे तो परमेश्वर जब देखेगा कि ये उद्धार में बना हुआ, इसे और किसी चीज से मतलब नहीं, तो बाइबल कहती परमेश्वर आपको वो सब कुछ देगा जिसका वायदा किया गया। आपको चंगा भी करेगा, आपके बच्चों को महान भी करेगा, आपका सीड बाइबल कहती है महान होगा, आपका वंश महान होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी, सब कुछ आपके पास होगा। लेकिन वो धन देगा, उसके साथ दुख नहीं मिलाएगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर एक विश्वासी ठान ले कि मुझे अपने उद्धार में बने रहना,
ना तो जब मैं ज्यादा खुश हूं तब पाप करना, ना ज्यादा निराश हूं तब पाप करना, मैंने नहीं करना। मैं खड़ा हूं तो भी नहीं करूंगा, गिरा हूं तो भी नहीं करूंगा, खुश हूं तो भी नहीं करूंगा, नहीं खुश तो भी नहीं करूंगा। इस बात को अपनी लाइफ में एक रूल बना के चलना।